नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है रेड और यह मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड राजकुमार गुप्ता द्वारा निर्देशित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की अपराध फिल्म है। इसमें अजय देवगन, सौरभ शुक्ला और इलियाना डी क्रूज है। यह फिल्म 1980 के दशक के आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकार इंदर सिंह के पर किए गए वास्तविक जीवन के आयकर छापे पर आधारित है, जिसने 3 दिन और 2 रात तक चलने वाली भारतीय ऐतिहासिक सबसे लंबे छापे के लिए खुद को दूसरी किसी से अलग किया। रेड सलामार्च 2018 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। उससे आमतौर पर समीक्षकों और दर्शकों के सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपनी बेस्ट थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। और ये फिल्म एक IRS अधिकारी और मामन पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबलना किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी इलियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद बसंत सिंह, सौरभ शुक्ला, सीतागर की डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागर के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतम सात्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने शताब्द और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नुस्खा होता है, जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने शोरूम नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं, क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संपादों, राजनेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कहीं फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार तीसरी रात छापेमारी जाती है, सीएम और रामेश्वर मिलते हैं। सीएम समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है, तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार विधला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार सकता है। विपोसी को पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी को रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुँच सकता है और सरकार की बदनामी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नीतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं पर अमय की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है, जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगा बुमबुला हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में 4th दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को अमय और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। PM द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित अमय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर की गिरफ्तार कर लिया जाता है और थकरी में ले जाने के पहले वो समय से अपने मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उससे जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे के तहत अपने नपुंसक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से सतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था, जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन अजय पटनायक IRS उप आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला रामेश्वर सिंह उर्फ राजसी या
ताऊजी के रूप में हिमालय निपरनायक के रूप में यलियाना डिफूज ललन, सुधीर सिंह के रूप में अमिल सियाल देवन, शशि सिंह के रूप में गायत्री अय्यर, मुक्ता यादव के रूप में शिव चड्डा, प्रभा देवी के रूप में अनंत वर्मा, संजरूज सिंह के रूप में सुलगन गामिनी, तरह सिंह के रूप में अनिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में अमित विक्रम, रवि खान बिलाकर, राकेश के सिंह के रूप में अनुभव सिंह के रूप में प्रवीण सिंह, सिसोदिया पुष्पा जोशी, उमा जी के रूप में जया के रूप में सौरभ सिंह, सिमरन निशा, सूरजमा के रूप में कामू काका के रूप में प्रकाश वाजपेयी, मंजू शुक्ला काकी के रूप में जयदीप सिंह, स्वयं बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में फ्लोरी जैक्सन, प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में अनिल रोशनी और पाठक, मुख्यमंत्री के आईटी अधिकारी के रूप में अजय सिंह, उत्पादन विकास अगस्त 2018 से राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियन डिक्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म ने रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को आईटी अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरकार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई जब आलोक कुमार भतवाल डिप्टी डायरेक्टर इंडियलिजेंस, जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की अनुवाद की, अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोधित संकुचित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म में अपने पहले दिन 100 मिलियन कमाए और अपने पहले सप्तांतर के अंत तक फिल्म 410 मिलियन की संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टमाटोज पर फिल्म को पढ़ा। समीक्षाओं के आधार पर 5.8/10 के औसत रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रुचित गुप्ता ने फिल्म को पटकथा और रब शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया, लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 के दिया। NDTV के शीतल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार थी और कहा कि देवगन की 34 सब्जी प्रीति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5.5 स्टार समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और टीसीरियस कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 स्टार दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म एक रोमांचक थ्रिलर है जो स्मार्ट ऑफकोर्स आकर्षक मनोरंजक और मनोरंजक है। हिंसक तक टाइम ने श्वेता कौशल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना किया और इसे 5/2.5 रेटिंग दी। मिजरटिन के राजीव भूषण ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया, लेकिन इसके संपादन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5/2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 27वें चाइना गोल्डन रूस्टम एंड 100 फ्लॉक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे शक्तिशाली आदमी की पहली पर छापा मारते हैं जब कोई रहस्यमय भरी केस उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक 80 के दशक में सेट देश की तब तक की गैर सबसे हाई प्रोफाइल छापों में से एक ही सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्षों में पहली ही 49 बार स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है तो उन्हें काम की नहीं पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उठका दृढ़ संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा।
परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग का अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ूताओं का सामना करने में सफल होगा, जो कहानी का सार है। अमय पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है, जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। अमय का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक जनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विधि वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है। पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आपको एक फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित IRF अधिकारी समय पटनायक पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें सीतागढ़ के डॉन ससन सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है, जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है कि वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया, इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपने बेस्ट थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। और ये फिल्म एक IRS अधिकारी अमन पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबादला किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी इलियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद पसंद हमसन सिंह सौरभ शुक्ला सीतागढ़ के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना हुई है। वहाँ उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतम सात्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने प्रताप और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है, तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नुस्खा होता है, जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने शोरूम नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं, क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संपादों राजनेता वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार तीसरी रात छापेमारी जाती है, CM और रामेश्वर मिलते हैं। CM समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है, तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार विधला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार सकता है। विपोसी को पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी के रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुंच सकता है और सरकार की बदनामी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नैतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं, पर अमय की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है, जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगाबुम्बुला हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को अमय और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। PM द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित अमय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर की गिरफ्तार कर लिया जाता है और
सहकर्मी में ले जाने के पहले वो समयक से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उससे जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे के तहत अपने नपुंसक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से सतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था जबकि समय को एक उज्जवल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन पटनायक IAS उप आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला रामेश्वर सिंह उर्फ राजजी या ताऊजी के रूप में, हंगालिनी पटनायक के रूप में, यलिया नडी क्रूज, ललन सुधीर सिंह के रूप में, अमिल सियाल, देवन सीतीत, शशि सिंह के रूप में, गायत्री अय्यर, मुक्ता यादव के रूप में, शिव चड्डा, प्रभा देवी के रूप में, संत वर्मा, संजरुज सिंह के रूप में, सुलगन नामिनी, तरह सिंह के रूप में, अरिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में, अमित बिगुरम, रवि खान बिलाकर, राकेश के सिंह के रूप में, अनुभव सिंह के रूप में, प्रवीण सिंह सिसोदिया, पुष्पा जोशी उमा जी के रूप में, जया के रूप में, सौरभ सिंह, सिमरन निशा, सुजमा के रूप में, कामू काका के रूप में, प्रकाश वाजपेयी, मंजू शुक्ला काकी के रूप में, जयदीप सिंह स्वयं बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में, फ्लोरिस जैक्सन प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में, अनिल रोशनी और पाठक मुख्यमंत्री के RT अधिकारी के रूप में, अजय सिंह उत्पादन विकास अगस्त 2018 से राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियन डिक्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की वो उनकी अगली फिल्म रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म ने रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को IIT अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरदार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई जब आलोक कुमार भतवाल DP डायरेक्टर इंटेलिजेंस जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की अनुवाद की अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोचित संघित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म में अपने पहले दिन 100 मिलियन कमाए और अपने पहले सप्तांतर के अंत तक फिल्म में 410 मिलियन की संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टमाटोज पर फिल्म को पारा समीक्षा के आधार पर 5.8/10 की औसत रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म को पटकथा और रब शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 के दिया। NDTV के शिखिल चटर्जी ने इसे 5/3.5 थी और कहा कि देवगन की चौथी सब्जी प्रति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5 समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और तीस सीरियस कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म एक रोमांचकर थ्रिलर है जो स्मार्ट ऑफकोर्स आकर्षक मनोरंजक है। हिंसक टाइम्स ने श्वेता कौशल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना किया और इसे 5/2.5 रेटिंग दी। म्यूजिक टीम के राजीव मिशन ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया लेकिन इसके संपादन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5/2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 2017 में चाइना गोल्डन रूस्टम एंड 100 फ्लॉक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे अधिकशाली आदमी की पहली पर छापा मारते हैं जब कोई हर समय भरी के उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक 80 के दशक में सेट रेट देश की तब तक की गैद सबसे इकाई प्रोफाइल छपी छापों में से एक ही सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटकाया अजय देवगन एक ईमानदार और
अनाप शनाप आयकर अनाप सनप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपने आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्षों में पहली ही 49 बार स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है तो उन्हें काम की नहीं पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उठका जो संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग क्या अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ू ताऊ का सामना करने में सफल होगा, जो कहानी का सार है। अमय पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है, जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। अमय का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है, पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित IRF अधिकारी समय पटनायक पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें सीतागढ़ के डॉन सशंत सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है, जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है कि वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताथी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया, इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपनी बेस्ट थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। और ये फिल्म एक IRS अधिकारी और पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबादला किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी इलियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद बसंत हमसन सिंह सौरभ शुक्ला सीतागढ़ के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतम सत्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने दबद और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नुस्खा होता है जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने सरसों नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं, क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संपादों राजनेताओं वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार टीसी रात छापेमारी जाती है, CM और रामेश्वर मिलते हैं। CM समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है, तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक शस्त्रागार विदला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुंच सकता है और सरकार की
हमें हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नैतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं, पर मय की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है, जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगाबुम्बुला हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को मय और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। पीएम द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित मय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर की गिरफ्तार कर लिया जाता है और थकरी में ले जाने के पहले वो समय से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उससे जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे के तहत अपने नापुंसक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से सतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था, जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन पटनायक IAS उप आवेदकर आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला रामेश्वर सिंह उर्फ लालजी या ताऊजी के रूप में, हिंगालिनी पटनायक के रूप में, यालिया नडी क्रूज, लल्लन सुधीर सिंह के रूप में, अमिल सियाल, देवन सीतीर, शशि सिंह के रूप में, गायत्री अय्यर, मुक्ता यादव के रूप में, शिव चड्डा, प्रभा देवी के रूप में, सन्नांत वर्मा, संजूरज सिंह के रूप में, सुनगन नामिनी तरह सिंह के रूप में, अरिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में, अमित बिंगरम, रवि खान बिलाकर, राकेश के सिंह के रूप में, अनुभव सिंह के रूप में, प्रवीण सिंह सिसोदिया, पुष्पा जोशी उमा जी के रूप में, जया के रूप में, सौरभ सिंह, सिमरन निशा, सोजमा के रूप में, कामू काका के रूप में, प्रकाश वाजपेयी, मंजू शुक्ला काकी के रूप में, जयदीप सिंह सैम बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में, फ्लोरी जैक्सन प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में, अनिल रोशनी और पाठक मुख्यमंत्री के RT अधिकारी के रूप में, अजय सिंह उत्पादन विकास अगस्त 2018 से राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियन डिक्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को IT अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरकार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई, जब आलोक कुमार बतवाल डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस, जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की अनुवाद की, अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोचित संकुचित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म में अपनी पहले दिन 100 मिलियन कमाए और पहले सप्तांतर के अंत तक फिल्म 410 मिलियन की संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टमाटोज पर फिल्म को पारा समीक्षाओं के आधार पर 5.8/10 की औसत रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म को पटकथा और रब शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया, लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 स्टार के दिया। NDTV के श्रीकल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार की और कहा कि देवगन की चौथी समझी उपस्थिति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5.5 स्टार समीक्षा में द यूनिट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और 30 मिनट कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 स्टार दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म में एक रोमांचक थ्रिलर है जो स्मार्ट आकर्षक मनोरंजक है। हिंसक टाइम्स ने श्वेता घोषल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना
किया और इसे 5.25 रेटिंग दी। मेजर टीम के राजीव मिश्र ने फिल्म को कुछ संदेशों प्रभावशाली पाया, लेकिन इसके संसाधन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की, जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5.25 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 27वें चाइना गोल्डन रूस्टम एंड 100 फ्लॉक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे अधिकशाली आदमी की पहली पर छापा मारते हैं, जब वही हर समय भरी केस उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सदस्य में सेट रेट देश की तब तक की गैर सबसे हाई प्रोफाइल छोपी छापों में से एक ही सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनाप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्ष में पहली 49 बार स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है, तो उन्हें काम की उन्हें पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उत्काह जो संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग क्या अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ू ताऊ का सामना करने में सफल होगा, जो कहानी का सार है। अमय पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है, जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। अमय का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है, पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित IRF अधिकारी समय पटनायक पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें चित्तागढ़ के डॉन ससंद सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है, जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहां उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है, वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताथी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया, इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपनी बेस्ट थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। और ये फिल्म एक IRS अधिकारी और पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबादला किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी इलियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद पसंद हमसरण सिंह सौरभ शुक्ला सीतागढ़ के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतिम सात्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने शताब्दों और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है, तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नुस्खा होता है, जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने शोरूम नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं, क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को
लाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संपादों, राजनेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार तीसरी रात छापेमारी जाती है, सीएम और रामेश्वर मिलते हैं। सीएम समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है, तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार विधला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकारा करता है। विपोसी को पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी को रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुंच सकता है और सरकार की बदनामी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नीतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं पर मैं की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है, जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगा बुमबुला हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को मैं और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। PM द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित समय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थकरी में ले जाने के पहले वो समय से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उससे जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे के तहत अपने नापोषक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से स्वतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था, जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन और पटनायक IRS उप आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला, रामेश्वर सिंह उर्फ राजी या ताऊजी के रूप में, हंगालिनी पटनायक के रूप में, यलियन डिकूज, ललन सुधीर सिंह के रूप में, अमिल सियाल, देवन सीतित, शशि सिंह के रूप में, गायत्री अय्यर, मुक्ता यादव के रूप में, शिव चड्डा, प्रभा देवी के रूप में, संत वर्मा, संजरूज सिंह के रूप में, सुलगन गामिनी, तरह सिंह के रूप में, अनिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में, अमित बिगलम, रवि खान बिलाकर, राकेश के सिंह के रूप में, अनुभव सिंह के रूप में, प्रवीण सिंह सिसोदिया, पुष्पा जोशी उमा जी के रूप में, जया के रूप में, सौरभ सिंह, सिमरन निशा, सुषमा के रूप में, कामू काका के रूप में, प्रकाश वाजपेयी, मंजू शुक्ला काकी के रूप में, जयदीप सिंह स्वयं बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में, फ्लोरी जैक्सन प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में, अनिल रोशनी और पाठक मुख्यमंत्री के IRT अधिकारी के रूप में, अजय सिंह उत्पादन विकास अगस्त 2018 से साज कुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियन डिक्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म ने रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को IIT अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरकार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई, जब आलोक कुमार भतवाल DP डायरेक्टर NDL जींस, जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की अनुवाद की, अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोधित संकुचित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म में अपने पहले दिन 100 मिलियन कमाए और अपने पहले सत्तांतर के अंत तक फिल्म 410 मिलियन की संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टमाटोज पर फिल्म को पारा समीक्षाओं के आधार पर 5.8/10 की औसत रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के उचित गुप्ता ने फिल्म को पटकथा और
रब शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया, लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 से दिया। NDTV के स्वीकल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार थी और कहा कि देवगन की चौथी समझी प्रति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5.5 स्टार समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और तीस कहा। बॉलीवुड हंगामा ने 5/4 स्टार दिए। तरन आदर्श ने लिखा कि फिल्म में एक रोमांचक थ्रिलर है जो स्मार्ट ऑफकोर्स आकर्षक मनोरंजक और मनोरंजक है। हिंसक टाइम्स ने श्वेता कौशल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना किया और इसे 5/2.5 रेटिंग दी। मिजोटिन के राजीव बसंत ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया, लेकिन इसके संसाधन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5/2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 27वें चाइना गोल्डन रूस्टम एंड 100 फ्लॉप फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे अधिकशाली आदमी की पहले पर छापा मारते हैं, जब वही रहस्यमय भरी केस उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक एक्टिंग इसी के दशक में सेट देश की तब की गैद सबसे इकाई प्रोफाइल छपी छापों में से एक ही सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनाप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्ष में पहली ही 49 बार स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है तो उन्हें काम की नहीं पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उत्का दृढ़ संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग क्या अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ू ताऊ का सामना करने में सफल होगा, जो कहानी का सार है। अमय पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। अमय का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है। पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित IRF अधिकारी समय पटनायक पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें सीतागढ़ के डॉन ससंद सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है, जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है। वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था थी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपनी बेस्ट चिक थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। और ये फिल्म एक IRS अधिकारी अमन पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबादला किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी इलियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद बसंत हमसन सिंह सौरभ शुक्ला सीतागढ़ के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतिम सत्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने शताब्द और ईमानदारी पर कायम रहे। वो
काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नुस्खा होता है जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने सरसों नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को लाने के लिए राजी किया जाता है लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संवादों राजनेताओं वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार टीसी रात छापेमारी जाती है, सीएम और रामेश्वर मिलते हैं। सीएम समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार विदला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार करता है। विपोसी को पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी को रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुँच सकता है और सरकार की बदनामी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नैतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं पर अमय की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगाबुम्बुला हो जाता है लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को अमय और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। PM द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित अमय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर की गिरफ्तार कर लिया जाता है और थकरी में ले जाने के पहले वो समय से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उससे जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे की तहत अपने नपुंसक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से सतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन अजय पटनायक IRS उप आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला रामेश्वर सिंह उर्फ राजी या ताऊजी के रूप में, हंगालिनी पटनायक के रूप में, यलिया नडी क्रूज ललन सुधीर सिंह के रूप में, अमिल सियाल देवन सीतित शशि सिंह के रूप में, गायत्री अय्यर मुक्ता यादव के रूप में, शिव चड्डा प्रभा देवी के रूप में, संत वर्मा संजरोज सिंह के रूप में, सुलगन नामिनी तरह सिंह के रूप में, अरिता गीति अग्रवाल सतीश मिश्रा आयकर के रूप में, अमित विम रवि खान बिलाकर राकेश के सिंह के रूप में, अनुभव सिंह के रूप में, प्रवीण सिंह सिसोदिया पुष्पा जोशी उम्मा जी के रूप में, जया के रूप में, सौरभ सिंह सिमरन निशा सुषमा के रूप में, कामू काका के रूप में, प्रकाश वाजपेयी मंजू शुक्ला काकी के रूप में, जयदीप सिंह स्वयं बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में, फ्लोरिस जैक्सन प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में, अनिल रसनी और पाठक मुख्यमंत्री के RT अधिकारी के रूप में, अजय सिंह उत्पादन विकास अगस्त 2018 से, राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियन डिक्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म ने रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को IT अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरदार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई जब आलोक कुमार बतवाल DP डायरेक्टर इंटेलिजेंस जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की अनुवाद की अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने
नकद और सोने में 16 मिलियन को अशोधित संकुचित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म ने अपने पहले दिन 100 मिलियन कमाए और अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म 410 मिलियन ही संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टमाटोज पर फिल्म को पारा समीक्षाओं के आधार पर 5.8/10 के औसत रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म को पटकथा और रब शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया, लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 रेटिंग दिया। NDTV के श्रीकल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार थी और कहा कि देवगन की 34 समझी उपस्थिति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5.5 स्टार समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और तीसरस कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 स्टार दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म एक रोमांचकर थ्रिलर है जो स्मार्ट आकर्षक मनोरंजक है। हिंसक टाइम्स ने श्वेता कौशल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना किया और इसे 5/2.5 रेटिंग दी। M13 के राजीव मसंद ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया, लेकिन इसके संपादन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5/2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 27वें चाइना गोल्डन रोस्टम एंड 100 फ्लॉक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भूमिनेत्रियों का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे शक्तिशाली आदमी की पहली पर छापा मारते हैं जब कोई हर समय भरी के उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक 80 के दशक में सेट देश की तब की गैद सबसे हाई प्रोफाइल छोपी छापों में से एक की सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्षों में पहली ही 49 बार स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है तो उन्हें काम की भी पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उठका दृढ़ संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग क्या अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ू ताऊ का सामना करने में सफल होगा, जो कहानी का सार है। अमय पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। अमय का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है। पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित IRF अधिकारी समय पटनायक पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें सीतागढ़ के डॉन ससंद सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है, जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है कि वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताथी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपने वैश्विक थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की, और ये फिल्म एक IRS अधिकारी और पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में
रवाना किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी लियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद बसंत हमसन सिंह, सौरभ शुक्ला, सीतागर के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागर के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतम सात्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने शताब्द और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नुस्खा होता है, जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने सरसों नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं, क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संवादों राजनेताओं वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कहीं फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार तीसरी रात छापेमारी जाती है, सीएम और रामेश्वर मिलते हैं। सीएम समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है, तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार विधला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार सकता है। विपोसी को पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी को रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुंच सकता है और सरकार की बदनामी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नीतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं पर अमय की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है, जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगाबुम्बुला हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को अमय और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। PM द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित अमय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर के गिरफ्तार कर लिया जाता है और थकरी में ले जाने के पहले वो समय से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उससे जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी, वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे की तहत अपने नापुंसक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से सतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था, जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन अजय पटनायक IAS उप आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला, रामेश्वर सिंह उर्फ राजजी या ताऊजी के रूप में, हंगालिनी पटनायक के रूप में, यलियाना डी क्रूज, लल्लन सुधीर सिंह के रूप में, अमिल सियाल, देवन सीतित, शशि सिंह के रूप में, गायत्री अय्यर, मुक्ता यादव के रूप में, शिव चड्डा, प्रभा देवी के रूप में, संत वर्मा, संजरूज सिंह के रूप में, सुलगन गामिनी, तरह सिंह के रूप में, अनिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में, अमित बिगुरम, रवि खान बिलाकर, राकेश के सिंह के रूप में, अनुभव सिंह के रूप में, प्रवीण सिंह सिसोदिया, पुष्पा जोशी उमा जी के रूप में, जया के रूप में, सौरभ सिंह, सिमरन निशा, सुषमा के रूप में, कामू काका के रूप में, प्रकाश वाजपेयी, मंजू शुक्ला काकी के रूप में, जयदीप सिंह स्वयं बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में, फ्लोरिस जैक्सन प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में, अनिल रसनी और पाठक मुख्यमंत्री के IRT अधिकारी के रूप में, अजय सिंह उत्पादन विकास 2018 से, साज कुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियन डी क्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में
रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को IIT अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरकार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई जब आलोक कुमार बतवाल डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की उन्होंने बात की अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोचित संकुचित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म में अपने पहले दिन 100 मिलियन कमाए और पहले सत्तांतर के अंत तक फिल्म 410 मिलियन की संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर फिल्म को पारा समीक्षाओं के आधार पर 5.8/10 की औसत रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म को पटकथा और रब शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 स्टार के दिया। NDTV के श्रीकल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार थी और कहा कि देवगन की चौथी समझी प्रति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5.5 स्टार समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और तीस कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 स्टार दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म एक रोमांचक थ्रिलर है जो स्मार्ट ऑफकोर्स आकर्षक मनोरंजक है। हिंसक टाइम्स ने श्वेता कौशल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना किया और इसे 5/2.5 रेटिंग दी। मिज 18 के राजेंद्र बसंत ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया लेकिन इसके संसाधन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5/2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 27वें चाइना गोल्डन रूस्टम एंड 100 फ्लॉक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे शक्तिशाली आदमी की पहली पर छापा मारते हैं जब कोई रहस्यमय भरी केस उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक 80 के दशक में सेट देश की तब तक की गैद सबसे हाई प्रोफाइल छापी छापों में से एक की सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनाप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्षों में पहली ही 49 बार स्थानांतरित हो चुका है जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है तो उन्हें काम की भी पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उठका दृढ़ संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग का अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ूताओं का सामना करने में सफल होगा जो कहानी का सार है। अमय पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। अमय का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है। पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित IRF अधिकारी समय पर
अपनाया कपड़ केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें चिताघर के डॉन ससंत सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है, जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है कि वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताथी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया, इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपनी वैश्विक थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की, और ये फिल्म एक IRS अधिकारी अमन पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबादला किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी इलियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद पसंद हमसन सिंह, सौरभ शुक्ला, सीतागर के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतम सात्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने शताब्द और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नुस्खा होता है, जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं, क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संपादों, राजनेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार टीसी रात छापेमारी जाती है, सीएम और रामेश्वर मिलते हैं। सीएम समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है, तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार विदला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार सकता है। विपोसी को पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी को रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुंच सकता है और सरकार की बदनामी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नैतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं पर अमय की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है, जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगाबुम्बुला हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को अमय और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। PM द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित अमय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर के गिरफ्तार कर लिया जाता है और थकरी में ले जाने के पहले वो समय से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उससे जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो, और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे के तहत अपने नापुंसक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से सुतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था, जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन और
पटनायक IAS उप आयुक्त के रूप में सौरभ शुक्ला, रामेश्वर सिंह उर्फ राजसी या ताऊजी के रूप में हिंगालिनी पटनायक के रूप में यालिया नडी क्रूज, ललन सुधीर सिंह के रूप में अमिल सियाल, देवन सीथित शशि सिंह के रूप में गायत्री अय्यर, मुक्ता यादव के रूप में शिव चड्डा, प्रभा देवी के रूप में संत वर्मा, संजूरज सिंह के रूप में सुलगन नामिनी, तरह सिंह के रूप में अरिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में अमित बिग्रम, रवि खान बिलाकर, राकेश के सिंह के रूप में अनुभव सिंह के रूप में प्रवीण सिंह, सिसोदिया पुष्पा जोशी, उमा जी के रूप में जया के रूप में सौरभ सिंह, सिमरन निशा, सुषमा के रूप में कामू काका के रूप में प्रकाश वाजपेयी, मंजू शुक्ला काकी के रूप में जयदीप सिंह, स्वयं बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में फ्लोरिस जैक्सन, प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में अनिल रसनी और पाठक, मुख्यमंत्री के IT अधिकारी के रूप में अजय सिंह, उत्पादन विकास अगस्त 2018 से राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियन डिक्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म ने रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को IT अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरदार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई जब आलोक कुमार बतवाल DP डायरेक्टर NDL जिन्स जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की अनुवाद की अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोचित संकुचित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म में अपने पहले दिन 100 मिलियन कमाए और अपने पहले सत्तांतर के अंत तक फिल्म 410 मिलियन की संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टमाटोज पर फिल्म को पारा समीक्षाओं के आधार पर 5.8/10 की औसत रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म को पटकथा और रवि शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 स्टार दिया। NDTV के शीतल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार दी और कहा कि देवगन की चौथी सब्जी प्रीति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5.5 स्टार समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और दिलचस्प कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 स्टार दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म एक रोमांचक थ्रिलर है जो स्मार्ट आकर्षक मनोरंजक है। हिंसक टाइम्स ने श्वेता कौशल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना किया और इसे 5/2.5 रेटिंग दी। मिजोटिन के राजीव भूषण ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया लेकिन इसके संपादन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5/2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 27 में चाइना गोल्डन रूस्टम एंड 100 फ्लॉक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे अधिकशाली आदमी की पहले पर छापा मारते हैं जब कोई हर समय भरी के उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में 80 के दशक में सेट देश की तब तक की गैर सबसे इकाई प्रोफाइल छपी छापों में से एक की सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्ष में पहली ही 49 बार स्थानांतरित हो चुका है जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को
मामला सौंपा जाता है तो उन्हें काम की नहीं पता चलता है कि ताऊ जी ने क्या दिलाने का उठका। जो संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग क्या अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ू ताऊ का सामना करने में सफल होगा, जो कहानी का सार है। अमय पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। अमय का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है। पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित है। IRF अधिकारी समय पटनायक पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें सीतागढ़ के डॉन सशंत सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है, जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है। वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताथी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपनी बेस्ट चिक थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। और ये फिल्म एक IRS अधिकारी और पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबादला किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी लियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद पसंद हमसरण सिंह, सौरभ शुक्ला, सीतागढ़ के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतम सात्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने शताब्द और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नुस्खा होता है, जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने सरसुम नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं, क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संपादों, राजनेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार तीसरी रात छापेमारी जाती है, CM और रामेश्वर मिलते हैं। CM समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है, तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार विधला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार सकता है। विपोसी को पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी के रोकने के दबाव में डालने के वाला लेखन और आदेश मीडिया तक पहुंच सकता है और सरकार की
रमी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नैतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं पर ओमय की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगाबुम्बुला हो जाता है लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को ओमय और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। पीएम द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित ओमय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर की गिरफ्तार कर लिया जाता है और थकरीक में ले जाने के पहले वो समय से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उस जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे की तहत अपने नापुंसक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से स्वतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन पटनायक IAS उप आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला, रामेश्वर सिंह उर्फ राजसी या ताऊजी के रूप में, हंगालिनी पटनायक के रूप में, यलियानडी क्रूज, लल्लन सुधीर सिंह के रूप में, अमिल सियाल, देवन सिद्धित, शशि सिंह के रूप में, गायत्री अय्यर, मुक्ता यादव के रूप में, शिव चड्डा, प्रभा देवी के रूप में, संत वर्मा, संजरूज सिंह के रूप में, सुलगन गामिनी, तरह सिंह के रूप में, अनिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में, अमित बिगुरम, रवि खान बिलाकर, राकेश के सिंह के रूप में, अनुभव सिंह के रूप में, प्रवीण सिंह सिसोदिया, पुष्पा जोशी, उमा जी के रूप में, जया के रूप में, सौरभ सिंह, सिमरन निशा, सुषमा के रूप में, कामू काका के रूप में, प्रकाश वाजपेयी, मंजू शुक्ला काकी के रूप में, जयदीप सिंह सैम बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में, फ्लोरिस जैक्सन प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में, अनिल रसनी और पाठक मुख्यमंत्री के RT अधिकारी के रूप में, अजय सिंह उत्पादन विकास 2018 से, राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियानडी क्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को IIT अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरकार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई जब आलोक कुमार बतवाल DP डायरेक्टर इंटेलिजेंस जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की अनुवाद की अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोचित संकुचित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म में अपने पहले दिन 100 मिलियन कमाए और पहले सप्तांतर के अंत तक फिल्म 410 मिलियन की संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टमाटोज पर फिल्म को पारा समीक्षाओं के आधार पर 5.8/10 की औसत रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म को पटकथा और रब शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 स्टार के दिया। NDTV के श्रीकल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार थी और कहा कि देवगन की चौथी समझी प्रगति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5.5 स्टार समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और तीस सीरियस कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 स्टार दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म एक रोमांचक थ्रिलर है जो स्मार्ट ऑफकोर्स आकर्षक मनोरंजक है। हिंसक टेक्स्ट टाइम्स ने श्वेता घोषल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना
किया और उसे 5 में से 2.5 रेटिंग दी। 2018 के राजीव बसंत ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया, लेकिन इसके संसाधन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की, जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5 में 2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 27 में चाइना गोल्डन रूस्टम एंड 100 फ्लॉक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भूमिनेत्रियों का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे अधिकशाली आदमी की पहली पर छावा मारते हैं, जब कई रहस्यमय भरी की उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक 80 के दशक में सेट रेट देश की तब तक की गैर सबसे हाई प्रोफाइल छपी छापों में से एक की सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनाप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्षों में पहली 49 बार स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है, तो उन्हें काम की भी पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उठका दृढ़ संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे की परिवार होगा परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग क्या अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ूताओं का सामना करने में सफल होगा, जो कहानी का सार है। हमें पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है, जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। हमें का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है। पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित IRF अधिकारी समय पटनायक पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें सीतागढ़ के डॉन स्वसंत सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है, जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहां उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है, वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताथी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपनी बेस्ट थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की, और ये फिल्म एक IRS अधिकारी और पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबादला किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी इलियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद पसंद हमसन सिंह सौरभ शुक्ला सीतागढ़ के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतम सात्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने शताब्दों और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है, तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नुस्खा होता है, जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने शोरूम नक्शे में मदद से तोड़ दिया।
सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं, क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संपादों, राजनेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। ऐसा कि लगातार तीसरी रात छापेमारी जाती है। सीएम और रामेश्वर मिलते हैं। सीएम समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है। तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार वेदला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार सकता है। रिपोर्टी को पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी को रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुंच सकता है और सरकार की बदनामी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नैतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं, पर मैं की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है, जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगा बुमबुला हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को मैं और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। PM द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित समय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर की गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब थकरी में ले जाने के पहले वो समय से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उस जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे के तहत अपने नापुंसक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से स्वतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था, जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन अजय पटनायक IAS उप आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला, रामेश्वर सिंह उर्फ राजसी या ताऊजी के रूप में, हंगलिनी पटनायक के रूप में, यलियाना डी क्रूज, ललन सुधीर सिंह के रूप में, अमिल सियाल, देवन सीतित, शशि सिंह के रूप में, गायत्री अय्यर, मुक्ता यादव के रूप में, शिव चड्डा, प्रभा देवी के रूप में, सनात वर्मा, संजरूज सिंह के रूप में, सुलगन गामिनी, तरह सिंह के रूप में, अनिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में, अमित बिगुरम, रवि खान बिलाकर, राकेश के सिंह के रूप में, अनुभव सिंह के रूप में, प्रवीण सिंह सिसोदिया, पुष्पा जोशी उमा जी के रूप में, जया के रूप में, सौरभ सिंह, सिमरन निशा, सुषमा के रूप में, कामू काका के रूप में, प्रकाश वाजपेयी, मंजू शुक्ला काकी के रूप में, जयदीप सिंह स्वयं बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में, फ्लोरिस जैक्सन प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में, अनिल रोशनी और पाठक मुख्यमंत्री के IoT अधिकारी के रूप में, अजय सिंह उत्पादन विकास 2018 से राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियन डी क्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म ने रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को IIT अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरदार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई, जब आलोक कुमार भतवाल DP डायरेक्टर इंटेलिजेंस, जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की अनुवाद की, अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोधित संकुचित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म में अपनी पहले दिन 100 मिलियन कमाए और अपने पहले सप्तांतर के अंत तक फिल्म 410 मिलियन ही संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टमाटोज पर फिल्म को पारा समीक्षा के आधार पर
5.8/10 की औसत रेटिंग का साथ 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रुचित गुप्ता ने फिल्म को पटका था और रब शुक्ला के अनुविनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया, लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 से के दिया। NDTV के स्वीकल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार थी और कहा कि देवगन की 34 समझी प्रकृति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5.5 स्टार समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और तीसरस कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 स्टार दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म एक रोमांचक थ्रिलर है जो स्मार्ट ऑफकोर्स आकर्षक मनोरंजक और मनोरंजक है। हिंसक तक टाइम्स ने श्वेता कौशल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना किया और इसे 5/2.5 रेटिंग दी। मेजर टीम के राजीव मुसंद ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया, लेकिन इसके संपादन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5/2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 27वें चाइना गोल्डन रूस्टम एंड 100 फ्लॉक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे शक्तिशाली आदमी की पहली पर छापा मारते हैं जब कोई रहस्यमय भरी केस उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक 80 के दशक में सेट रेट देश की तब तक की गैर सबसे हाई प्रोफाइल छपी छापों में से एक ही सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनाप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्षों में पहली इज 49 बार स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है तो उन्हें काम की नहीं पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उठका दृढ़ संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग का अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ू ताऊ का सामना करने में सफल होगा, जो कहानी का सार है। अमय पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। अमय का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है। पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित IRF अधिकारी समय पटनायक पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें चितागढ़ के डॉन ससंद सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ उसे रामेश्वर के परिवार शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है। वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताथी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया, इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपनी बेस्ट थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। और ये फिल्म एक IRS अधिकारी अमन पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबादला किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी इलियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद पसंद हमसन सिंह सौरभ शुक्ला सीतागढ़ के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतम
शत्रुतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने शताब्द और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसमें एक नुस्खा होता है जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने सरसों नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संपादों राजनेता वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार टीसी रात छापेमारी जाती है, सीएम और रामेश्वर मिलते हैं। सीएम समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है, तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार विदला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार सकता है। विपोसी को पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी को रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुंच सकता है और सरकार की बदनामी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नैतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं पर अमय की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगाबुम्बुला हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को अमय और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। PM द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित अमय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर की गिरफ्तार कर लिया जाता है और थैकरी में ले जाने के पहले वो समय से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उस जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे की तहत अपने नपुंसक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से स्वतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन अजय पटनायक IRS उप आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला रामेश्वर सिंह उर्फ राजसी या ताऊजी के रूप में, हंगालिनी पटनायक के रूप में, यलिया नडी क्रूज, ललन सुधीर सिंह के रूप में, अमीर सियाल देवन सीति शशि सिंह के रूप में, गायत्री अय्यर मुक्ता यादव के रूप में, शिव चड्डा प्रभा देवी के रूप में, संत वर्मा संजूज सिंह के रूप में, सुलगन कामिनी तरह सिंह के रूप में, अरिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में, अमित बिगुरम रवि खान बिलाकर राकेश के सिंह के रूप में, अनुभव सिंह के रूप में, प्रवीण सिंह सिसोदिया, पुष्पा जोशी उमा जी के रूप में, जया के रूप में, सौरभ सिंह सिमरन निशा सोजमा के रूप में, कामू काका के रूप में, प्रकाश वाजपेयी मंजू शुक्ला काकी के रूप में, जयदीप सिंह स्वयं बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में, फ्लोरिस जैक्सन प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में, अनिल रोशनी और पाठक मुख्यमंत्री के RT अधिकारी के रूप में, अजय सिंह उत्पादन विकास 2018 से राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियन डिक्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को IIT अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरकार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई जब आलोक कुमार बतवाल DP डायरेक्टर NDL जिन्स जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की अनुवाद की अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर
अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोचित संघित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म अपने पहले दिन 100 मिलियन कमाए और अपने पहले सप्ताह के अंत तक फिल्म में 410 मिलियन की संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टमाटोज पर फिल्म को पारा समीक्षा के आधार पर 5.8/10 की औसत रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म को पटकथा और रब शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया, लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 के दिया। NDTV के शीतल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार दी और कहा कि देवगन की चौथी समझी प्रीति की फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5 स्टार समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और तीस सीरियस कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 स्टार दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म में एक रोमांचक थ्रिलर है जो स्मार्ट आकर्षक मनोरंजक और मनोरंजक है। हिंसक के टाइम में सेतु कौशल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना किया और इसे 5/5 रेटिंग दी। मीडिया टीम के राजीव मिशन ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया, लेकिन इसके संसाधन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5/2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 27वें चाइना गोल्डन रोस्टम एंड 100 फ्लॉक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे अधिकशाली आदमी की पहली पर छापा मारते हैं जब वही हर समय भरी के उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक एक्टिव एसी के दस्य में सेट देश की तरफ की गैस सबसे प्राई प्रोफाइल छोपी छापों में से एक की सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्षों में पहली ही 49 बार स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है तो उन्हें काम की भी पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उठका जो संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग क्या अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ू ताऊ का सामना करने सफल होगा जो कहानी का सार है। हमें पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए हमें का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है। पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित IRF अधिकारी समय पटनायक पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें चित्तागढ़ के डॉन सशंत सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहां उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है कि वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताथी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। इसमें 40
उन करोड़ की बजट पर अपनी वैश्विक थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। और ये फिल्म एक IRS अधिकारी अमन पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबादला किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी लियाना डी क्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद पसंद हमसन सिंह, सौरभ शुक्ला, सीतागर के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागर के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतम सात्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने शताब्द और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नुस्खा होता है, जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने सरसों नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं, क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संपादों, राजनेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार तीसरी रात छापेमारी जाती है, CM और रामेश्वर मिलते हैं। CM समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है, तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार विधला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार सकता है। विपोसी को पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी को रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुंच सकता है और सरकार की बदनामी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नीतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं पर अमय की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है, जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगा बुमबुला हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को अमय और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। PM द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित अमय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर की गिरफ्तार कर लिया जाता है और थकरी में ले जाने के पहले वो समय से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उससे जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे की तहत अपने नापोषक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से स्वतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था, जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन अजय पटनायक IRS उप आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला, रामेश्वर सिंह उर्फ राजसी या ताऊजी के रूप में, हिमालिनी पटनायक के रूप में, यलियाना डी क्रूज, लल्लन सुधीर सिंह के रूप में, अमिल सियाल, देवन सीतित, शशि सिंह के रूप में, गायत्री अय्यर, मुक्ता यादव के रूप में, शिव चड्डा, प्रभा देवी के रूप में, संतनाथ वर्मा, संजरूज सिंह के रूप में, सुलगन नामिनी, तरह सिंह के रूप में, अरिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में, अमित बिग्रम, रवि खान बिलाकर, राकेश के सिंह के रूप में, अनुभव सिंह के रूप में, प्रवीण सिंह सिसोदिया, पुष्पा जोशी उम्मा जी के रूप में, जया के रूप में, सौरभ सिंह, सिमरन निशा, सुषमा के रूप में, कामू काका के रूप में, प्रकाश वाजपेयी, मंजू शुक्ला काकी के रूप में, जयदीप सिंह सोम बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में, फ्लोरिस जैक्सन प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में, अनिल रोशन और
अर्थात मुख्यमंत्री के आरटी अधिकारी के रूप में अजय सिंह, उत्पादन विकास अगस्त 2018 से राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन और लिलियन डिक्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म में रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को आईटी अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरदार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई, जब आलोक कुमार भतवाल डीपी डायरेक्टर इंटेलिजेंस, जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की अनुवाद की, अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोचित संघित बरामद की। छापे में नोटों की गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म में अपने पहले दिन 100 मिलियन कमाए और अपने पहले सत्तांतर के अंत तक फिल्म 410 मिलियन की संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर फिल्म को पारा समीक्षाओं के आधार पर 5.8/10 के अशोक रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म की पटकथा और रब शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया, लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 स्टार दिया। एनडीटीवी के सुखल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार दी और कहा कि देवगन की चौथी सब्जी उपस्थिति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5 स्टार समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और तीस सीरियस कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 स्टार दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म एक रोमांचक थ्रिलर है जो स्मार्ट आकर्षक मनोरंजक है। हिंसक टाइम्स ने श्वेता घोषल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना किया और इसे 5/5 रेटिंग दी। मिजोटिन के राजीव बसंत ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया, लेकिन इसके संपादन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5/2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 27वें चाइना गोल्डन रोस्टम एंड 100 फ्लॉक फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे अधिकशाली आदमी की पहली पर छावा मारते हैं, जब कोई हर समय भरी उसका ध्यान शब्दों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक ऐसी में देश की गैर सबसे हाई प्रोफाइल छपी छापों में से एक की सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनाप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्षों में पहली ही 49 बार स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है तो उन्हें काम की नहीं पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उत्कार जो संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग क्या उम्र तेजी से सिद्धि और जुगाड़ू ताऊ का सामना करने में सफल होगा, जो कहानी का सार है। अमय पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है, जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। अमय का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊजी के नाम से जाने ताऊजी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है। पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
ये फिल्म आपको ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित है। IRF अधिकारी समय पटना पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें चिटागढ़ के डॉन सशंत सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है, जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहां उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है। वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ताथी और भारत में 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया, इसमें 40 करोड़ की बजट पर अपने बेस्ट थिएटर रन में 150 करोड़ से अधिक की कमाई की। और ये फिल्म एक IRS अधिकारी और पटनायक अजय देवगन पर केंद्रित है, जिसका हाल ही में लखनऊ में आयकर आयुक्त के रूप में तबादला किया हुआ है, जहां वो अपनी पत्नी मालिनी इलियाना डिक्रूज के साथ खुशी से रहता है। एक दिन उन्हें संपद बसंत हमसन सिंह, सौरभ शुक्ला, सीतागढ़ के डॉन जो लंबे समय से आयकर से वंचित थे द्वारा जमा किए गए काले धन के बारे में एक गुमनाम टिप मिली। इसलिए अमय और उनकी टीम बहुत योजना बनाने के बाद सीतागढ़ के लिए रवाना हुई है। वहां उन्हें और उसकी टीम को रामेश्वर के अंतम सात्यतापूर्ण परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने दबद और ईमानदारी पर कायम रहे। वो काले धन को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ घर के हर नुक्कड़ पर तलाशी लेता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ घंटों के खोज के बाद जब सारी आशा खो जाती है, तो उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है, जिसमें एक नुस्खा होता है, जिसमें घर में ऐसे के स्थान पता चलता है। करोड़ों दशियों सदियों के लाख की संपत्ति खोजने के लिए समय और उनकी टीम के दीवारी छत सीढ़ियों और पुराने शोरूम नक्शे में मदद से तोड़ दिया। सांसद रामेश्वर हार मानने की तैयार नहीं, समय और घर छोड़ने के लिए उकसाते हैं। वो तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलता है, जो किसी भी तरह की मदद से इनकार करते हैं, क्योंकि आयकर विभाग केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और छापेमारी कानूनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री को अमय को बुलाने के लिए राजी किया जाता है, लेकिन तुरंत फटकार लगाई जाती है। एक अथक रामेश्वर कई संपादों, राजनेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, लेकिन कई फायदा नहीं हुआ। वो तब अपनी राजनीतिक समर्थन की रैली करता है और राज्य मंत्रिमंडल को गिराने की धमकी देता है, जब तक कि प्रधानमंत्री उससे मिलने के लिए सहमत नहीं होती है। जैसा कि लगातार तीसरी रात छापेमारी जाती है, CM और रामेश्वर मिलते हैं। CM समय को फोन करते हैं और उन्हें अन्य कानूनी विकल्पों की तलाश करने के लिए कहते हैं। समय पालन करने के लिए सहमत है, तब वो अपने अमर और उनकी टीम के मैक्स के माध्यम से छापे को रोकने के लिए एक साक्षात्कार विदला प्रस्तुत करता है। प्रभावी रूप से अनुरोध को नकार सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि IRS अधिकारी पर छापामारी को रोकने के दबाव में डालने के वाला लिखन और आदेश मीडिया तक पहुँच सकता है और सरकार की बदनामी हो सकती है। वो मदद करने से इनकार कर देती है और रामेश्वर को दूर भेज देती है। निराश रामेश्वर अपने नैतिक विकल्पों को समाप्त करते हैं पर अमय की पत्नी मालिनी पर हमला करने की कोशिश करता है, जो बाल बाल बच जाती है। ये सुनकर समय आगाबुम्बुला हो जाता है, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करने का फैसला करता है। अंत में चौथी दिन दोपहर में रामेश्वर अपने गुंडों को अमय और उसकी टीम को मारने के लिए भेजता है। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाती है। PM द्वारा भेजे गए विशेष पुलिस बल द्वारा लगभग पराजित अमय को समय रहते बचा लिया जाता है। रामेश्वर के गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब थकरीक में ले जाने के पहले वो समय से अपनी मुखबिर की पहचान के बारे में पूछता है। अमर के उस जानकारी को बताते इनकार कर दिया। पता चलता है कि रामेश्वर की सबसे छोटी बहू वीर थी वो और उसका प्रेमी एक राजनीतिक सौदे के तहत अपने नापुंसक बेटे के शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए रामेश्वर से सतला लेने चाहते हैं। रामेश्वर जेल में मुखबिर की पहचान के बारे में सोच रहा था, जबकि समय को एक उज्ज्वल भविष्य की आशा के साथ दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ढालना उदय देवगन अजय पटनायक IRS उप आयुक्त के रूप में, सौरभ शुक्ला रामेश्वर सिंह उर्फ राजसी या
ताऊजी के रूप में हंगाली निपरनायक के रूप में यलियाना डिकूज, ललन सुधीर सिंह के रूप में अमिल सियाल, देवन सीतीज, शशि सिंह के रूप में गायत्री अय्यर, मुक्ता यादव के रूप में शिव चड्डा, प्रभा देवी के रूप में संत वर्मा, संजरूज सिंह के रूप में सुलगन गामिनी, तरह सिंह के रूप में अनिता गीति अग्रवाल, सतीश मिश्रा आयकर के रूप में अमित बिगुरम, रवि खान बिलाकर, राकेश के सिंह के रूप में अनुभव सिंह के रूप में प्रवीण सिंह, सिसोदिया पुष्पा जोशी, उमा जी के रूप में जया के रूप में सौरभ सिंह, सिमरन निशा, सुषमा के रूप में कामू काका के रूप में प्रकाश वाजपेयी, मंजू शुक्ला काकी के रूप में जयदीप सिंह, स्वयं बिहारी लाल आयकर महानिदेशक के रूप में फ्लोरिस जैक्सन, प्रधानमंत्री के रूप में वित्त मंत्री रतन कुमार के रूप में अनिल रोशनी और पाठक, मुख्यमंत्री के आरटी अधिकारी के रूप में अजय सिंह, उत्पादन विकास अगस्त 2018 से राजकुमार गुप्ता ने अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज के बारे में एक आधिकारिक घोषणा की, वो उनकी अगली फिल्म के रेड का हिस्सा होंगे। फिल्म में विभिन्न पात्रों को निभाने के लिए लखनऊ में 40 से अधिक थिएटर अभिनेताओं का चयन किया गया था। फिल्म ने रेड की प्रमुख फोटोग्राफी लखनऊ में रायबरेली में हुई और 30 सितंबर 2017 को हुई है। पृष्ठभूमि फिल्म इतिहास से सबसे लंबे समय तक चलने वाली आयकर छापे पर आधारित है। 16 जुलाई 2018 को आईटी अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश का कानपुर में एक व्यापारी और कांग्रेस विधायक और पूर्व राज्यसभा सदस्य सरकार इंदर सिंह के घर पर छापा मारा। 16 जुलाई की सुबह काफी शांति से शुरू हुई, जब आलोक कुमार बतवाल डीपी डायरेक्टर एंडियल जिन्स, जिन्होंने पहले दिन छापेमारी की, अनुवाद की, अन्य अधिकारियों के एक समूह के साथ स्वरूप नगर अपने घर से निकलते हैं तो किसी ने जरा भी ध्यान नहीं देता है। इन्होंने नगद और सोने में 16 मिलियन को अशोचित संकुचित बरामद की। छापे में नोटों के गिरने में कथित तौर पर 16 घंटे और 45 घंटों का समय लगा। फिल्म में अपने पहले दिन 100 मिलियन कमाए और अपने पहले सत्तांतर के अंत तक फिल्म 410 मिलियन की संग्रह किया था। आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टमाटोज पर फिल्म को पारा समीक्षाओं के आधार पर 5.8/10 की औसत रेटिंग का 67% की अनुमोदन रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म को पटकथा और रब शुक्ला के अनुभिनय के प्रदर्शन को प्रभावशाली पाया, लेकिन उन गीतों की आलोचना की जो उन्हें अनावश्यक लोगों केवल एक व्याकुलता के रूप में काम किया। रचित के फिल्म को 5/3.5 स्टार के दिया। एनडीटीवी के श्रीकल चटर्जी ने इसे 5/3.5 स्टार की और कहा कि देवगन की चौथी समझी प्रति के फिल्म को दिलचस्प बना दिया। हालांकि 5/5.5 स्टार समीक्षा में द इवेंट एक्सप्रेस ने फिल्म को लंबी और तीस कहा। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5/4 स्टार दिए। तरुण आदर्श ने लिखा कि फिल्म एक रोमांचक थ्रिलर है जो स्मार्ट आकर्षक मनोरंजक है। हिंसक टाइम ने श्वेता कौशल ने अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के अभिनय प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा के अत्यधिक लंबाई और दोहराव की प्रकृति की आलोचना किया और इसे 5/2.5 रेटिंग दी। म्यूजिक टीम के राजीव बसंत ने फिल्म को कुछ सदस्यों प्रभावशाली पाया, लेकिन इसके संपादन और दूसरे भाग की पटकथा की आलोचना की जो उन्हें लगा कि ये कमजोर है। अभिनेताओं के बीच उन्होंने महसूस किया कि सौरभ शुक्ला का प्रदर्शन असाधारण था और फिल्म को 5/2.5 रेटिंग दी। अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म रेड में भूमिका के लिए 2017 चाइना गोल्डन रूस्टम एंड 100 फ्लॉप फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भूमिनेत्रियों का पुरस्कार जीता है। एक निडर आयकर अधिकारी लखनऊ में सबसे अधिकशाली आदमी की पहली पर छापा मारते हैं, जब कोई रहस्यमय भरी केस उसका ध्यान सबूतों की ओर खींचता है। भारत के उत्तर प्रदेश में एक 80 के दशक में सेट रेट देश की तब तक की गैर सबसे काय प्रोफाइल छपी छापों में से एक की सच्ची कहानी पर आधारित है। समय पटनायक अजय देवगन एक ईमानदार और अनाप शनप आयकर अधिकारी कर धोखाधड़ी को उजागर करने की अपनी आदर्शवादी और साहसी स्वभाव के कारण पिछले 7 वर्षों में पहली 49 बार स्थानांतरित हो चुका है, जिसमें कई बड़े लोगों की जेब पर भारी चोट पहुंची है। जब पटनायक को उत्तर प्रदेश के एक बेहद प्रभावशाली और डरपोक व्यक्ति ताऊजी को मामला सौंपा जाता है तो उन्हें काम की नहीं पता चलता है कि ताऊजी ने क्या दिलाने का उत्कृष्ट दृढ़ संकल्प उनके करियर में सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण छापे के परिवार होगा।
परिणत होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में भी भारत का आयकर विभाग का अमर तेजी से सिद्धि और जुगाड़ूताओं का सामना करने में सफल होगा, जो कहानी का सार है। अमय पटनायक एक ईमानदार आयकर अधिकारी है, जिनकी ईमानदारी के कारण 7 वर्षों में 49 बदले हुए। अमय का हाल ही में उत्तर प्रदेश में तबादला हुआ है, जहां उन्हें एक अनजान व्यक्ति से रामेश्वर सिंह के घर में करोड़ों का काला धन छुपाए जाने के बारे में सवाल पूछा है। ताऊ जी के नाम से जाने जाने ताऊ जी का शब्द उनके ग्रामीणों के लिए एक आदेश है। पटनायक के अपने विदेश वरिष्ठों को आश्वस्त देते हुए उनके घर पर छापा मारने का जोखिम उठाया है। पैसा बरामद किया जाएगा और वो अपनी टीम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये फिल्म आयकर के उपयुक्त के रूप में लखनऊ में स्थानांतरित IRF अधिकारी समय पटनायक पर केंद्रित है, जो अपनी पत्नी मालिनी के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उन्हें चिटागढ़ के डॉन ससंद सदस्य रामेश्वर सिंह द्वारा जमा किया जाए काले धन बारे में एक गुमनाम टीम मिलती है, जो बहुत लंबे समय से आयकर का भुगतान कर रहा है। इसलिए समय और उसकी टीम भारी योजना बनाती है और सीताराम के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ उसे रामेश्वर के परिवार के शत्रुता का सामना करना पड़ता है, और लेकिन वो इतना ईमानदार रवैया बनाए रखता है कि वो अकेले धन का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ घर के कोने कोने की तलाशी लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।